फ्रेंड्स, ये मैंने श्राद्ध की थाली तैयार की है। यह 12 लोगों के लिए आज मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। इसके बिना ही हम सारी चीज़ें बनाएंगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया 2 कड़छिल और डाल के 3 पाव के करीब गोभी को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं, फ्राई करते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि गोभी यदि धोई हुई है तो उसमें पानी रहता है और जब हम ऑयल में डालते हैं तो उसमें पानी और तेल की छींटे पड़ने के चांसेज होते हैं। तो थोड़ा केयरफुली यहाँ पे करिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारी गोभियों को फ्राई करना है। इस तरीके से हम अपनी सारी गोभियों को फ्राई कर देंगे। और दूसरी साइड आप देख रहे होंगे कि मैंने मिल्क रखा है। मिल्क में मैंने राइस फ्राई करके डाल दिया था और हमारे उधर खीर बन रही है साथ ही साथ। और देखिए, इधर हमारी 3 पाव करीब गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके बाद इसमें आलू को फ्राई करूँगी। तो देखिए, अभी भी हल्की हल्की सी छींटे आ रही हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना होता है। अब देखिए, मैं आलू को भी फ्राई करूँ। आलू थोड़े से मोटे काटेंगे जिससे आलू बहुत जल्दी गल ना जाए। सब्जी में भी अभी हमें डालने होते हैं तो इसीलिए फ्राई करने के बाद और सब्जी में भी डालने के बाद ये जल्दी टूटे ना और बहुत गले ना, इसीलिए हम इसको थोड़ा मोटा ही काटेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो बनाना थोड़ा भूल गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कड़छी ऑयल लिया था। उसके गर्म होने के बाद मैंने 1 स्पून जीरा डाला। जीरा भूनने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर टमाटर डाल दिया था। 5 टमाटरों की प्यूरी डाली थी और उसको अच्छे से, टमाटर का जब प्यूरी अच्छे से पक गई थी तो मैंने उसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला हुआ है, हल्दी डाली आधी स्पून, आधी स्पून कश्मीरी मिर्च और आधी स्पून लाल मिर्च। ये सब डाल के मसालों को पकाने के बाद मैंने उसमें गोभी और आलू डाल के, नमक ऊपर से डाल के और उसे स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने को रख दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कड़छी तेल लिया और उसमें मैंने गरम होने के बाद इसमें मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। अब ये जब अच्छे से भून गया है तो मैंने इसमें 5 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी। जैसे कि आलू टमाटर बन रहा है तो टमाटर का फ्लेवर आना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें हम टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। अब देखिए, इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला और इन सबको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे मसाले डाल दिए और मैं इनको अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इधर मैंने ये बॉयल पोटैटो लिए हुए थे। बॉयल बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, थोड़ा सा हमें टाइट ही रखना होता है। और बॉयल करने के बाद मैंने इनको अच्छे से काट लिया है और जब हमारे मसाले ये अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें आलूओं को ऐड कर देंगे। देखिए, अभी ये मसाले अच्छे से पकने वाले हैं, थोड़ा सा और चाहिए। इनको 5 से 7 मिनट लगता है मसालों को अच्छे से पकने में, तो इतना टाइम हम ज़रूर दें मसालों को अच्छे से कुक होने में। जब तक तेल ना छोड़े तब तक हमें मसाले पकाने चाहिए। इस टाइम मसाले पक चुके हैं तो मैंने इसमें आलू को भी ऐड कर दिया है। यह 12 लोगों के लिए, इसलिए इस सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है। आप देखिए, यहाँ पे पानी ऐड करना है। पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि 12 लोग हैं और पानी आलू के हिसाब से कम था, तो मैंने यह पानी सफिशेंट ठीक से रखा और इसमें मैंने 3 स्पून सॉल्ट लास्ट में ऐड कर दिया और इसको मैंने ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया। 1 व्हिसल आने तक मैंने तेज गैस पे रखा और उसके बाद मैंने इसको स्लो कर दिया और इधर हमारी गोभी की सब्जी पक रही थी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। बड़ाई के लिए मैंने उड़द की दाल रात भर भिगोई थी, सुबह उसका को अच्छे से पानी से क्लीन करके फिर मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड किया। अब देखिए, इसको मैंने धनिया की पत्ती, 1/2 चम्मच हल्दी, ग्रीन चिली, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी हींग और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और लास्ट में मैंने इसमें अदरक भी ऐड किया। इस तरीके से हमें अच्छे से इसको फेंटना होता है जिससे हमारे ये सॉफ्ट स्पंजी बन सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से इनको फेंट लिया है। अब ये देखिए, हमारी इधर गोभी भी मैं बीच बीच में चलाती रह रही हूँ गोभी की सब्जी को, तो देखिए ये भी लगभग तैयार हो गई है। तो मैंने इसे बोल में अब निकाल लिया है।
तो इस तरीके से हमारी गोभी की सब्जी यहाँ बनकर तैयार होती है। और जी कुकर कुकर की की है भी तो मैंने उसको भी साइड में करके यहाँ पे अब मैं बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट में अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा डालना है जिससे हमारे अच्छे से इसमें फ्राई हो सके। आप देखिए यहाँ मैं कटोरी की हेल्प से बड़े बना रही हूँ, जिसे प्रॉपर आप कभी भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसमें कटोरी के बैक साइड में इस तरीके से रख के बीच में और एक अपनी फिंगर में पानी लगा के उसके बीच में होल लगा बना सकते हैं और इसको इस तरीके से ऑयल में धीरे धीरे छोड़ देंगे तो आपके कभी भी बड़े की शेप खराब नहीं होगी और बहुत अच्छे से फ्लफी बड़े बनकर तैयार होंगे। ये हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे क्योंकि हमें इनको अंदर से भी अच्छे कुक करना है और देखने में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे अपने बड़े बना लेने हैं। देखिए इस प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये सही में बहुत अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से और आपको आगे भी इसी को फॉलो करेंगे। लोगों को दिक्कत होती है बड़े बनाने में, लेकिन यदि इस को फॉलो करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखिए मेरे आलू टमाटर बनकर तैयार हो गए हैं बहुत अच्छे से। रेस्ट ऑफ डिशेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, इतने आप इनको इन्जॉय करिए।